नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं उसे जितमाए। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के सिसना ग्राम पंचायत में मौजूद है। अभी सिसना ग्राम पंचायत के बगल में, सिसना ग्राम पंचायत के झकपी एसएस हाई स्कूल है और उसके बगल में ये आपको दिखाई देने वाला कूड़ा यानी उपखंडा जिसे कहा जाता है वो है। अभी यहाँ पर गंदगी का माहौल गाँव में तो नज़र आ रहा है, लेकिन स्कूल के बाजू में ये माहौल देखने से कुछ गाँव के अम्मा आदर्श पाठशाला के चेयरमैन और गाँव वासियों को थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है, क्योंकि इस स्कूल में, हाई स्कूल में 250 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों का इस कूड़े के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रहने की वजह से, और वहाँ पर बच्चे जब है, जब पढ़ाई करते हैं तो उनको हर बार इसकी जो बदबू है वो सतत सता रही है, और खाने के टाइम पर भी ये सारी चीज़ें, वहाँ पर बच्चे खाना भी खा नहीं सक रहे, ऐसी कंप्लेंट आई है। अभी इस कूड़े से माना जाता है कि ज़्यादातर डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड होता है। इसका जब मच्छर उड़कर उन बच्चों के आंख पर बैठता है, यानी कम उम्र के लोगों पर, यानी कम उम्र के बच्चों पर, तलबाओं पर ज़्यादा असर करता है। अभी इसी संदर्भ में बच्चे से लेकर तो टीचर तक इसके त्रासग्रस्त है और कई बार ओनर को भी कहा गया है कि यहाँ से उठाया जाए। ओनर का कहना है कि जब स्कूल जब बनने की थी, मैं तब से, ये मेरा निजी प्लाट है और मैं निजी प्लाट पर स्कूल बनने के पहले से ही मैं इसको, मेरी जो स्थायी जगह है मैं यहीं पर इधार रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अभी समय चाहिए, इतने तुरंत इस बारिश के दिनों में, इस बरसात के दिनों में मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा ओनर का कहना है। अभी यहाँ पर ये ओनर की बात होगी। अभी यहाँ पर मार्केट के, अभी इस वक्त स्कूल के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर अगर एक ही बच्चा अगर बीमार होता है इसके कारण, तो हम हाई आला अधिकारी के पास और विशेषज्ञों के पास जाएंगे और इसकी आगे चलकर शिकायत करेंगे और कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देंगे। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि कितने बार हम देखते हैं कि कई सारे जगहों पर जो गांव में कूड़ा होता है, कचरा होता है, वो गांव से कई दूर, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर डाला जाता है, क्योंकि गांव से कोई उसका, उस कूड़े का संबंध ना हो, और ऐसे जो बीमारी, दूषित बीमारियां होते हैं, मच्छरों के संबंधित जो बीमारी होती है उससे प्रभाव उस गांव पर ना पड़े। लेकिन अभी हाल हकीकत हम आपको बता रहे हैं कि ये गाँव में ही है। अभी इसी कूड़े पर नज़र आने वाला जो मच्छर है वो भी हम आगे कुछ तस्वीरों में दिखाएंगे और किस तरह से बच्चे इससे त्रासग्रस्त है वो भी बताएंगे। लेकिन हाँ, जब तक ये कूड़ा रहेगा, बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के शरीर के लिए, बच्चों के आरोग्य पर इसका असर पड़ता रहेगा। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు తినేటప్పుడు మాకు అక్కడ పెంట కుప్పలు ఉన్నాయి, దాని ద్వారా చాలా వాసన వస్తుంది, చాలా డిస్టర్బెన్స్గా కూడా ఉంది. ఇప్పుడే చెప్పినాం కానీ తీసుకుంటలేదు, ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు. హై స్కూల్ చైర్మన్ హే పెంట కుబస్సు లేకరాయి పరిశ్రమ హో లాగి హే జరా కాయలు తో బర రాయితే आम्ही कंप्लीट करून 15 दिवस होता आहे, काही दिन याच काहीच परिष्कार नाही होत आहे. तुम्ही कंप्लीट कोणाकोणाजवळ केल्याची? ग्रामपंचायत मध्ये केले. किती डाव केले ग्रामपंचायत मध्ये? 1 डाव केले. पंचायत सेक्रेटरी काय याच्यावर काय ऍक्शन घेतला? नाही घेतला. कारण घेतो म्हणलं. कवापर्यंत आता काय काय, आता काही माहित नाही, 15 दिवस होता आम्ही कंप्लीट करू. खूपच ना वास येत आहे, लेकरांना बिलकुल तिथं राहू शकत नाही, तेवढी वास येत आहे, 1 घंटा पण थांबू शकत नाही ना. हे पूर्ण शेणाचं हे पूर्ण उरकोंडे येतं टाकून, पूर्ण लेकरायले परेशान होत आहे. मग सकाळ ताप संडास काही झालं तर लेकरायले पुन्हा परेशान होतात, याचं काहीतरी परिष्कार करायचं. जर परिष्कार नाही झालं तर काय करणार तुम्ही? अम्मा आदर्श पाठशाळेचे तुम्ही चेअरमॅन आहे, तर तुमच्या हातामध्ये 240 किंवा 250 मुलं आहेत, तर त्या मुलांचे आरोग्याच्या संबंधित हे विषय आहे, तर याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? आता इथं काय नाही झालं, पुन्हा मग आता कंप्लीट करतो आम्ही, कलेक्टर पशी जातो. काय झालं तर पुरा भरायले पुन्हा परिश्रम होते, चांगलं तर ऐकलं पाहिजे, ऐकतच नाही होतं. हमारे तरफ कोई गरीब के लोग, गरीब तरफ कोई देख रहे नहीं, यहाँ घर के सामने उकड़ा फेंक के मचरा गिचरा बहुत काट रहे, कोई ख्याल 10 बार बोले तो भी वो सेपरेटी भी वो ख्याल नहीं रख रहा. हमारे तरफ सापा निकल रहे घर में, बच्चे कच्चे के आगे बीमार गिर रहे, वो बोर है तो बोर का पानी नहीं पीने आ रहा, हमको बहुत परेशान कर रहे लोग का.
यहाँ घर के सामने ऐसा रहा तो हम कैसे करना गरीब लोग। कोई हमको 10 बार गए हम ग्राम पंचायत में तो भी हमको कोई केयर ही नहीं कर रहे लोग का यहाँ पे। आणि जेवताना स्कूल मध्ये नाही का उडकुंड्याचा वास येणार, जेवताना की वास येते क्लास मध्ये की हे नाही का डिसिजन ग्रामपंचायतवाले अजून आजूबाजूचे शाळावाले एच एम मॅडम घेणार करावे। सिरसन्ना पंचायत सचिव जी सुरेश, अभी इस वक्त सिरसन्ना गांव में कई सारे अभी तनाव और झगड़े चल रहे हैं क्योंकि एक स्कूल के जेड पी एस एस हाई स्कूल के बाजू में एक गोबर का एक वहां पर कारखाना जैसा यानी गढ़ा बना चुका है और वहां पर कई सारे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। इसके ऊपर गाँव वासियों से हमने बात की तो गाँव वासी कह रहे हैं कि सरपंच एक तो पंचायत सचिव इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि फिर ये जो समस्या है वो आप अभी तो कोई सरपंच नहीं है पर ग्राम सचिव जिसको इसको हल करना चाहिए, फिर ग्राम सचिव इतने ठंडे बैठकर है, फिर आपका इसके ऊपर आपने क्या क्या या तो फिर आप एमपीडीओ को इस बात की नज़र एमपीडीओ की नज़र में ये बात लाए या स्पेशल ऑफिसर की नज़र में ये बात लाए, आपने क्या कार्रवाई की ये मायमावली के माइक में बताएंगे आप। सही है, ये जो मुद्दा है हमारे तक आ चुका है और ग्राम पंचायत के हमने उनको नोटिस आ दिए और नोटिस के हिसाब से नोटिस भेजे तो भी उन्होंने नोटिस को बेकार करते हुए उसको उन्होंने निकालने के लिए रेडी नहीं है। हमने उसको वही रिपोर्ट को नोटिस जो नहीं ले रहे वो रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में दिए, पुलिस स्टेशन के प्रोटेक्शन से हम उसको एक दो दिन में कंपलसरी वो निकाल देंगे और उन पर एक्शन भी लेने का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। इतना डिले क्यों हो रहा है, ये कई सालों से वहाँ पर है बच्चे, उसी तरह कोई भी बच्चे बीमार अगर गिर जाए तो उसके जिम्मेदार कौन? नहीं सही बात है, वो उन्होंने बोल रहा कि स्कूल महीने पहले डाल लिया था लेकिन हमारी ग्राम पंचायत के हिसाब से कोई भी ये गोबर की कुप्पे हो कोई भी गाँव के बीच में नहीं डालना चाहिए और स्कूल के नज़दीक में नहीं रहना चाहिए। हम कंपलसरी उस पर एक्शन लेंगे, दो दिन में वो पूरा क्लियर करके हम दे देंगे।